नमस्कार। आज हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने चाइना के एम्बेसडर को सीधे सीधे बोला कि बॉर्डर पे जो आपकी ट्रूप्स खड़ी हैं इनको वापस लेके जाओ, वरना हम आपसे बात नहीं करेंगे। और बात नहीं करेंगे, हमारी तरफ से रिटेलिएशन भी आ सकता है। इंडिया की डिप्लोमेसी है कि उसके पत्ते आजकल बिल्कुल सही पड़ रहे हैं। एक पत्ता बिल्कुल सही, अगला भी सही, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, एक के बाद एक, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, रशिया हो, यूक्रेन वॉर हो। अभी यूक्रेन वॉर पर भी बात करेंगे हमारे जयशंकर साहब, जो जा रहे हैं अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि नवंबर 8 को रशिया, वहां पे जाकर के बहुत सारी बात होंगी, बायलेटरल टॉक्स होंगी, यूक्रेन वॉर पर भी बात होगी। इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बनता जा रहा है और इंडिया को ये बात पता है कि मैं एक ग्लोबल प्लेयर बन रहा हूं, इसलिए जयशंकर साहब अब चीन को आंखें दिखाने लगे, बोला सीधे अपनी ट्रूप्स वापस ले जाओ वरना हम ये टॉलरेट नहीं करेंगे। इसी बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब। सुमित सर, पहली चीज, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। आज आपकी कुर्सी बहुत प्यारी लग रही है और बड़ा ही, मतलब जिसे बोलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा नजारा है। पीछे दीवार है भले, कुर्सी इतनी खूबसूरत है कि नजारा बन रहा है। एक चीज सर, कि ये जयशंकर साहब जो अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, अब चीन को धमकी दी, या धमकी ना बोले, सॉफ्ट लैंग्वेज में बोलता हूँ कि चीन को खरी खरी वो सुना दी कि अपनी ये बॉर्डर से वापस लीजिए ट्रूप्स, हमें ये नहीं चाहिए आप। देखिए रोहित भाई, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार, और हमारे सभी दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम, साधुवाद। रोहित भाई, कुर्सी अच्छी है, ये तो आपका प्यार है, ये आपका हमारा सम्मान है आपस में, जो आपको कुर्सी अच्छी लग रही है। आपका भी धन्यवाद, आप हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें कहते हो और बड़ा प्रोत्साहन मिलता है आपकी बातें सुनकर। रोहित भाई, ये मैं जब कहता था कि इंडिया इज सुपर पावर इन मेकिंग, लोग वो 2-3 साल पहले ही चीजें हजम नहीं होती थी, कहते अरे तुम तो चाइना से डरे हुए हो, तुम तो चाइना तो ये, चाइना तो गलवान में आ गए, चाइना तो ये आ गया। आज आप देखिए, चाइना का जो प्राइम ये एम्बेसडर जा रहा था, उसने कहा आई एम अ फैन ऑफ इंडिया, मैं इंडिया का फैन हूँ, ये सीसीपी का मेंबर बोलना बहुत बड़ी चीज होती है, अपनी गर्दन मतलब कुल्हाड़ी की धार पे रखने वाली बात। कह रहा आई एम अ फैन ऑफ इंडिया और कहता हमें इंडिया से बहुत सीखना चाहिए, यही नहीं कहता, हमें इंडिया से बहुत सीखना चाहिए। और उसके अलावा रोहित भाई, जब वो डॉक्टर जयशंकर से मिलने गया फेयरवेल के लिए, डॉक्टर जयशंकर ने एक तो पूरी उनको खरी खोटी सुना दी, खरी खोटी के अपनी जो बात है, हमने बिना विदाउट मेंसिंग वर्ड्स हमने पूरा सामने रख दिया। देखिए, सुपर पावर की पहली पहचान क्या होती है, वो अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, सही है गलत है, सामने रख देता है, डायरेक्ट रख देता है, आसपास नहीं बोलता, घुमा फिरा के नहीं बोलता। रोहित भाई, मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है, मोदी जी के अंदर और डॉक्टर जयशंकर के विजन के अंदर, वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम दैट एरा ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट व्हिच वाज वेस्टिंग अवर टाइम। ऑनलाइन मूवमेंट में अपना वक्त जाया बेच कर रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था और लोग हमें हल्के में ले रहे थे, जो हमारा वर्चस्व, जो हमारा स्टैचर, वो कहीं गिनती में नहीं आ रहा था। आज जो चाइना के एम्बेसडर को सुनाया गया, वही तीन चीजें, म्यूचुअल रेस्पेक्ट वाली वाली चार तीन चीजें बताई गई जो पहले बताई गई, और उनको उसके साथ साथ एक 8 पॉइंटों की लिस्ट दी गई। बोला बेटा बात सुनना, ये 8 पॉइंट है, ये आपको करने पड़ेंगे, और उनमें से एक पॉइंट है कि आपकी ये भी एस्पिरेशन है, हमारी भी एस्पिरेशन है। दूसरी, वर्ल्ड स्टेज पे चीजों पे आपका अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, हमारा अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बॉर्डर वॉर्डर वाली चीजें तो है ही, और बोला कि हमारी अपना अपना एक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, कोई आप हमारे, हम आपके थ्रू नहीं चलते, आप हमारे थ्रू नहीं चलते। तो ये कहने का मतलब, जो जिसको मैं डिकोड कर पा रहा हूँ, ये कि देखो भैया, आप चाइना हो, ये नहीं समझो कि आप यहाँ के बाऊ हो, बाऊ नहीं हो, आपका अपना एरिया, हमारा अपना एरिया, इट इज नॉट, इट इज एशिया, इट इज अ सेंचुरी ऑफ चाइना वेर इन चाइना विल डोमिनेट। अब चाइना की हालत है टाइट, अब वो डॉक्टर जयशंकर साहब के पास सुना सुझा, एक आध कुछ छोटी मोटी प्यारी प्यारी चीज मिल जाएगी, मैं जाके वहां दे दूंगा। यहाँ क्या होता है, जयशंकर साहब ने एक तो जो आपने बताया वो कर दिया, और उसके अलावा 8 पॉइंट और गिना, बोले जाते थे ये ले जाए, बोलते 8 क्यों, चाइनीज में ना 8 नंबर बड़ा ऑस्पिशियस होता है, तो 8 ही चीजें डॉक्टर जयशंकर साहब ने सुने, उन्हें मैंडरिन भी अच्छी आती है, बात भाई नॉर्मल भाषा में भी समझा पाते, कैसे कई बार इनका अंग्रेजी में हाथ तंग होता तो मैंडरिन में भी समझाए। अब यार देखिए रोहित भाई, चाइना में हुआ क्या, चाइना में जैसे शी जिनपिंग आया, 70 से 100 बिलियन डॉलर तो स्टॉक मार्केट टूटा, इंटरनल 100 बिलियन डॉलर स्टॉक मार्केट उड़ गया, 100 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी चीज होती है, और चाइना स्केल ऑफ डिजास्टर्स हैज स्टार्टेड, इट हैज नॉट एंडेड। और अब चाइना में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, चाइना में प्रॉब्लम है, चाइना में डिफिकल्टीज है, ये अब काफी इंटरनेशनल फोरम में भी बातें खुल के आने लगी। पहले हम कहते थे, लोग कहते ठीक है यार, अपना वो प्रो इंडिया प्रोपोगंडा करते हो, ये करते, बट आज जो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड कह रहा, आज जो वर्ल्ड बैंक कह रहा, आज जो एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा, आज जो S&P कह रहा, सब चीज यही कह रहे हैं कि चाइना की जो हालत है बद से बदतर हो रही है, चाइना इज गेटिंग इन टू अ टॉक्सिक फ्रेंजी, और आज भारत उनको अपने यहाँ बुला के
बड़े प्यार से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और कहता है पतली गली से निकल लो। ये है भारत का बढ़ता हुआ वर्चस्व। ये जो लोग सोचते हैं हम चाइना से घबराएंगे, हम चाइना से डरेंगे, हम गलवान से हिल जाएंगे, रोहित भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे बताइए, मैं आज एक चीज बोलती, जैसे जिस टोन में हम चाइना से बात करते हैं, मुझे दूसरी कंट्री बताइए जो बात करता है, चाइना का एम्बेसडर को बुला के उसको उसकी औकात गिनाता, साथ में आठ लिस्ट, आठ चीजों का नया डिमांड लिस्ट बन रहा है। बेटा अपने पापा के पास जाना और बोले नहीं अंकल ने ये नई लिस्टें भेजी है और इन पे बात करनी हो तो आ जाना, औकात में रह के बात करो। रोहित भाई अगर आप मुझसे पूछे, सच में भारतीय होने के नाते, नेशनलिस्ट होने के नाते, जितना मेरा आज छाती से, मतलब जितनी मेरी छाती आज चौड़ी हो रही ना गर्व से, शायद इतने पिछले 40 सालों में नहीं हुई। क्यों? आज मैं देख रहा हूँ भारत को हर स्टेज पे उभरता हुआ। कोई भी टॉप 5 रेटिंग लीजिए, भारत का नाम 5वें, छठे, 1, 2, 3, 4, 5 में नाम आ ही रहा है। ये है पहचान। हम सुपर पावर केवल एक मिलिट्री वेल्थ से या एक इकोनॉमिक वेल्थ से नहीं बनते, या कोई डेवलप कंट्री होने के कारण नहीं बनते। आज सिंगापुर डेवलप कंट्री सुपर पावर बन सकता है क्या? फिनलैंड डेवलप कंट्री बन सकता है? स्वीडन बन जाएगा, नॉर्वे बन जाएगा। और सुपर पावर की सबसे बड़ी चीज होती है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, और योर एक्शन शुड नॉट बी प्रेडिक्टेबल, कि आप कब कौन सी दिशा पकड़ोगे, कौन सी किसकी दिशा होगी, वो होती है छोटी मोटी कंट्रियों की, पाकिस्तान जैसे की। लेकिन जब जिनजान पे वोटिंग होती, पाकिस्तान तो सपोर्ट करता है ना चाइना का, कहता नहीं जिनजान में कुछ नहीं होता। ये तीन चार चीजें मैं बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट देख रहा हूँ। और मुझे एक चीज इसमें बड़ी अच्छी और लगी, देखिए डॉक्टर जयशंकर साहब का मैं एक चीज देख रहा हूँ, अगर मैं केयरफुली उनको स्टडी करूँ, डॉक्टर जयशंकर इज इंक्रीजिंग द एंटे। ये कोई तीन चीजें लेके नहीं बैठे कि ये तीन चीजें होगी तो बाद में ठीक हो गया, अगर ठीक है मैं तीन नहीं करता मैं दो करता हूँ। अगर चाइना वहां सलामी स्लाइसिंग ऑफ लैंड जानता है, या हम सलामी स्लाइसिंग ऑफ एजेंडा भी जानते हैं, पहले तो तीन चीजें थी, आज आठ चीजों की लिस्ट और पकड़ा दी। तो जब ये संगडोंग आया था तो तीन चीजें इसके दिमाग में थी, सोचा तीन में का नेगोशिएट कर लूंगा, दो पे भारत, एक में न्यूट्रल हो जाएंगे, एक में हम नहीं मानेंगे। और जब वो वापस गया उसके पास रोहित जी कितनी चीजें आ गई, 11 चीजें आ गई, 8 उसका लकी नंबर, 11 हमारा लकी नंबर। ये डिप्लोमेसी में एक और चीज है, ये एक और लेवल की डिप्लोमेसी, इसको आप साधारण मत समझिए। नाउ वी आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। आई हैव नो रिग्रेट इन एडमिटिंग वी आर चेंजिंग द यू नो गोल, बट इट इज ऑफेंसिव डिफेंस। इसे ऑफेंसिव डिफेंस कहते हैं, तो इसे डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। आज वो सोच के क्या आया था, आप उसकी जगह तीन चीजों पे बात होगी, और जब आप गए आपके पास 11 चीजों की लिस्ट पड़ा, तो भैया तीन की सोच कहते थे 11 की लेके जा रहे हो। ये होता है डिफरेंस, ये होता है प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, दिस इज डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस। नाउ इंडिया इज प्रैक्टिसिंग डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस, व्हिच इज अ वेरी गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दिस हैपन। जीरो अच्छा सर, एक चीज और कि अभी जयशंकर साहब जा रहे हैं रशिया, और वहां जा करके बातचीत करेंगे बहुत सारी चीजों पे, बायलेटरल टॉक्स होंगी, ऐसा ऑफिशियली दिया गया है। बात किस चीज पे होनी है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। यूक्रेन वॉर में मीडिएट कर रहा है इंडिया, बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं इसके। प्राइम मिनिस्टर खुद शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बोल के आए थे कि इट इज नॉट टाइम फॉर वॉर, मतलब रशिया को बताया था। अभी कुछ दिन पहले हमारे फॉरेन हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी बोला था कि न्यूक्लियर वेपन मत ना यूज करे रशिया, हम वॉर्न किया। पुतिन ने भी किया था, शायद कहीं वेस्ट और कहीं ईस्ट दोनों के बीच में एक 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 कड़ी का काम कर रहे हैं वो। क्या ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जयशंकर साहब अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, क्या ये दिखा रहे हैं कि हम किसी की साइड नहीं है, हम खुद एक साइड है, हमारी साइड आना है तो आओ। रोहित भाई आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली आज, मतलब यू आर लिटरली स्टोल इन माय वर्ड्स ऑन अ लाइटर नोट। देखिए रोहित भाई, हमने शुरू से बोला वी आर फॉर पीस, ये हमारी स्ट्रेटजी तब भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। जो विश्व गुरु होता है वो दुनिया को रास्ता दिखाता है, दैट शोज द वर्ल्ड पाथ टू द वर्ल्ड। गुरु गुरु जी की क्या परिकल्पना है सनातन? गुरु जी वो होते हैं, गुरु आपका कोई भी हो सकता है और आपकी जिंदगी में कई गुरु हो सकते हैं। अगर मैं कोई चीज आपसे सीख रहा हूँ तो आप उस चीज के लिए आप मेरे गुरु हैं। इट्स वेरी सिंपल एज दैट। ये कि गलत धारणा है कि गुरु आपका एक हो सकता है, गुरु आपके बदलते रहते, कोई एक गुरु नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कोई विश्वामित्र नहीं है। तो जो आपसे जो सीखे, अगर मैं अपने बच्चे से भी कोई चीज हूं तो उस चीज के लिए वो मेरा गुरु। ये सनातन में लिखा, भगवत गीता में लिखा। अब विश्व गुरु वो है, विश्व गुरु वो है जब दुनिया पे त्रासदी आ रही हो, दुनिया पे खतरा मंडा रहा हो,
और वो तब अवतार बन के इस दुनिया का को बचाए। आप देखिए भगवान श्री कृष्ण भी तो गए थे दुर्योधन के पास, कहता पांच गांव दे दे भाई, नहीं मान। आप देखिए गीता में भी ये लिखा है, और आप कोई भी जो भी आप बात करें महाभारत की, आप बात करें रामायण की, दोनों परिस्थितियों में युद्ध को टालने की कोशिश की गई थी, पर जब युद्ध नहीं टलता फिर अल्टीमेट आंसर तो युद्ध ही होता है। आज भारत क्या कर रहा, भारत आज वही काम कर रहा जो भगवान श्री कृष्ण कर रहे थे। भारत आज भी विश्व गुरु के रूप में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ईस्ट और वेस्ट का डिवाइड नहीं है, डिवाइड है ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल का, डिवाइड है डिस्ट्रक्शन और डेथ के बीच में। डज ह्यूमैनिटी प्रिवेल, डज और डेथ एंड डिस्ट्रक्शन प्रिवेल। देखिए वो स्टैंड अप कॉमेडियन जो बैठा है यूक्रेन का, वो तो पूरा मस्खरा है। वो तो मतलब आई आई थिंक वो पप्पू कहना भी उसको पप्पू को गाली देना होगा, मतलब पप्पू का अपमान होगा सर पप्पू कहना, उसके लिए कोई नया वर्ड ढूंढना पड़ेगा आपको। मैंने एक वीडियो देखा है रोहित भाई, वो अपने ना लाइटें वाइटें लगवाता है ऐसे, फिर अपनी वो टी शर्ट में से फोटो खींचाता होता है, हम ये करेंगे वो करेंगे, पूरा मेकअप वेकअप लगा के फोटो बनवाता है, वो पूरा स्टूडियो में बनाता है। और लोग तो ये कहते हैं, कहते कहते पता नहीं वो यूक्रेन में है भी नहीं, ये भी आजकल नई चली है कि यूक्रेन में है नहीं है। तो अब ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन का लीडर तो भाग गया, यूक्रेन को लड़ाई में छोड़ गया, और यहाँ पे बहुत खतरनाक साजिश रच रहा है वेस्ट। देखिए रशिया रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, रशिया विल नेवर एवर यूज अ न्यूक्लियर वेपन, राइट? मुझे नहीं लगता, यूज करना होता तो अब तक कर लिया होता, नहीं करेगा। अब यहाँ रशिया का आरोप है यार, कहीं ये छोटा मोटा बॉम्ब खुद टैक्टिकल वेपन डिटोनेट कर दे, वो रशिया पे लगे, और रशिया और वेस्ट की स्ट्रेटजी तो अच्छी है, रशियन मरो यूक्रेनी मरो जो भी मरो कोई बात नहीं, हमारे तो दुश्मन कम हो रहे हैं। और ये ज़ेलेंस्की जो है ये इससे बड़ा क्या बोलूं, मुझे मैं आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड, मेरा मेरे पास बहुत गंदे वर्ड है, यूज करना नहीं चाहता मैं। इससे बड़ा पप्पू दुनिया में कोई पैदा हुआ नहीं, मुझे बताइए नेटो में गया नहीं। अब रशिया और ये आप मैं कह रहा हूँ यूके फ्रांस का सीधा कहना है कि ये जो है आपका यूक्रेन, ये नेटो में आ नहीं सकता, क्लियर मना कर दिया नहीं आ सकता। टर्की ने ऑलरेडी बगावत कर रखी है नेटो से रशिया का साइड देके, तो नेटो में बचा क्या है आज वेस्ट को हमारे पास, हमें देने के लिए क्या एक्सेप्ट वेस्टर्न डोमिनेंस। मैं आज ये सवाल पूछा, व्हाट इज वेस्ट ऑफर टू द वर्ल्ड, यार हम दे रहे हैं ना दवाई, हम दे रहे हैं वैक्सीन, हम पीस दे रहे हैं, हम वीट दे रहे हैं, हम होप दे रहे हैं, हम इंसानियत दे रहे हैं, हम सर्वे सत्तु निरामया की बात करें, वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, तमसोभा ज्योतिर्गमय की बात करते हैं, वेस्ट के पास है क्या? व्हाट वेस्ट वेस्ट हैज टू ऑफर टू द वर्ल्ड एक्सेप्ट डोमिनेंस? यहाँ मैं लड़ाई करूंगा, यहाँ मैं करूंगा, मेरा मेरा डॉलर मेरा पैसा। इनफैक्ट रोहित भाई बहुत बड़ी चीज होने वाली, मैं आज के आपके चैनल पे प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, 2023 के बिगनिंग में आप देखेंगे, आप भी यही महंगे डॉलर टूटेगा, जो डॉलर अभी उठ रहा उतना ही भयंकर डॉलर टूटेगा। डॉलराइजेशन ऑफ वर्ल्ड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, थिंग्स आर गेटिंग वेरी टफ। और जो ऐसी परिस्थिति में, जो आज का विषय नहीं है, अगर आप मैं बताऊं आपको भारत क्या क्या कर रहा है, व्हाट ऑल थिंग्स इंडिया इज डूइंग, इट इज माइंड बॉगलिंग, इट इज माइंड बॉगलिंग। और ये जो हमारे दुश्मन है, चाहे इस साइड हो उस साइड हो, और ये डीप स्टेट है, सब मिल गए हैं, दाए वाले भी बाएं वाले भी डीप स्टेट मिल के हम पे अटैक कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि हम महादेव की भूमि है, कुछ कर नहीं पा रहे। मैं आपको बताऊं इतना बड़ा ऑनस्लॉट कोई सह नहीं पा रहा जितना हम सह रहे हैं, और तब भी आगे चल रहे। और अभी देखिए जर्मनी में क्या है, जर्मनी में तो आज ही आया कि जर्मनी के प्रेसिडेंट आज ही कह रहा था वी आर हेडिंग फॉर हेडविंड्स, और हमारे वी हैव मतलब ना ईयर्स ऑफ रफ पैच है। ये खुद वो मान रहे हैं जर्मनी वाले, हमने नहीं कहा, जब हम कहते थे कोई नहीं मानता था, अब वो खुद कह रहे हैं। ये जितनी चीजें हो रही है, ये जो एक विश्व गुरु है, विश्व गुरु इज नॉट ओनली अ सुपर पावर, यू कैन बी अ सुपर पावर बट कैन नॉट बी अ विश्व गुरु। विश्व गुरु वो है जो वो है समथिंग टू गो टू द ह्यूमैनिटी, जो ह्यूमैनिटी का प्रदर्शन करे, जो ह्यूमैनिटी को रास्ता दिखाए। डोमिनेंस इज नॉट गुरु, गुरु डोमिनेट नहीं करता, तानाशाह डोमिनेट करता। हम अगर विश्व गुरु बन रहे, सुपर पावर बन रहे, वे ब्रिंगिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द वर्ल्ड कम्युनिटी, पीस की बात हो, खाने की बात हो, जितना जितना इंडिया ऊपर आएगा रोहित भाई, आज मैं शायद 10 चीजें आपको गिना पाऊँ, 5 साल बाद 25 चीजें गिना पाऊंगा, 10 साल बाद 50 चीजें गिना पाऊंगा। अल्टीमेटली यही सस्टेनेबल पावर है। आज दुनिया की पूरी होप नरेंद्र मोदी जी पे लगी है, पूरी होप डॉक्टर जयशंकर पे लगी है। कहा जो बाइडन, कहा आज कमला हैरिस, कहा आज मैक्रोन, और ऋषि सुनाक तो खैर अभी भी नए नए आए हैं। तो अगर मैं इन बड़े लीडरों की बात देखो, और देखिए बाकी पोलैंड वोलैंड तो कहीं गिनती में जाते, आइसलैंड पोलैंड ये जिम्बाब्वे और मोरक्को मोरतानिया इन जैसे कंट्रियों की तो कोई गिनती नहीं है, ये नीदरलैंड जैसे छोटे मोटे मुल्क, इनकी कोई गिनती नहीं है। चाइना पे कोई भरोसा करता नहीं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट है, अमेरिका इज ओनली इंटरेस्टेड इन यू नो डोमिनेंस। द ओनली कंट्री
which is thinking for humanity, which is thinking for the well-being of the world, is India, sir. And it is a proud moment for us. We are Indians and we are living in this era. We have to have a lot to offer to the world beyond Western dominance. West only offers dominance. डॉलर मेरा, फिर ये मेरा, वो मेरा, ये मैं बताऊंगा तुम कहाँ लड़ोगे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कहाँ थे वो मैं बताऊंगा, मुझे बताइए आज दुनिया में एक रेजोल्यूशन नहीं आना चाहिए? रोहित भाई पहले दिन से कह रहा हूँ, दुनिया में एक रेजोल्यूशन आना चाहिए, ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद करो। अगर आप ज़ेलेंस्की को हथियार देने बंद करोगे, लड़ाई का रुक जाएगी, 15 दिन में रुक जाएगी। और कर रहा हूँ इस बंद, मुझे उम्मीद है यूके आएगा, रुके हथियार बंद करेगा, अमेरिका देता रहेगा। अगर अगर यूरोप हट गया तो ये लड़ाई आधी खत्म हो जाएगी। और वो जो बाइडेन साहब तो एमागोडॉन कुछ कह रहे थे, वो बाइबल का कॉन्सेप्ट ला रहे थे एंड ऑल दैट। आई एम अमेज्ड हाउ पीपल आर सीइंग दिस थ्रेट लाइटली। आपने दुनिया को न्यूक्लियर वॉर के कगार पे खड़ा कर दिया और आपको पता नहीं वो बाइबल के कॉन्सेप्ट और डिसाइडिंग बैटल एंड ऑल दैट। आई मीन दिस इज हाईली एट्रोशियस। और आप परिकल्पना कीजिए, अगर भारत इसमें ये पॉजिटिव रोल ना निभाता, भारत भी ये कैप में जुड़ जाता, तो ये जो आज न्यूक्लियर थ्रेट की बातें हो रही है ये रियलिटी बन जाती। और ईश्वर से यही, महादेव से यही कामना है, आप और हम अपनी जीवन में ये न्यूक्लियर युद्ध ना देखें। वी शुड नेवर एवर सी अ न्यूक्लियर बिकॉज एक्सेप्ट डिस्ट्रक्शन इट गेट्स नथिंग। राइट। अच्छा एक चीज और, के यूक्रेन वॉर एक साइड, इंडिया चाइना का जो एंगल है उसमें लग रहा है कि चाइना जो तीसरी बार शी जिनपिंग वापस कुर्सी पे बैठे उसके बाद से ढीला रवैया अपनाना शुरू हो गया है। बहुत जगह हमें दिख रहा है कि कहीं कहीं वीकनिंग दिख रही है, स्टॉक मार्केट टूटे हैं, इकोनॉमी अपने वर्स्ट पे चल रही है, और वर्स्ट और खराब होने की सिचुएशन है। अभी तक की पिछले पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड बोले तो इकोनॉमी अपने वर्स्ट पोजिशन पे है, और रिसेशन या जो बोलिए पुअर परफॉर्मेंस, इंडस्ट्रियल आउटपुट कुछ ऐसी है कि ये फर्दर डाउन जा सकता है, सप्लाई चेन्स पे अटैक है, और वेस्ट उसको बहुत अच्छी तरह से नहीं ले रहा है, चाइना को वेस्ट सैंक्शंस पे सैंक्शंस लगाता जा रहा है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि चाइना टूटता दिख रहा है और चाइना अब एक 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 अलग फेस लेके आएगा सामने, थोड़ा सा एक्सेप्टेबल फेस ला सकता है, या हिटलर की तरह डिक्टेटरशिप तो है ही लेकिन हिटलर की तरह रवैया अपनाएगा कि हर कंट्री पे मैं कब्जा करूं? देखिए चाइना की जो मंशा है रोहित भाई वो सामने आ गई है। अब आप नया चेहरा नहीं लगा सकते। अगर आपका चेहरा एक्सपोज हो गया, अगर आपकी मानसिकता एक्सपोज हो गई है, अगर आपने वायरस ब्रीड किया है, तो वो चीजें सबको पता है। चाहे आप कोई पॉलिटिकली इसको माने ना माने, कोई इंटरनेशनल फोरम पे माने ना माने, आज बताइए चाइनीज वायरस नाम तो मैंने नहीं निकाला था ना। चाइनीज वायरस को बोलने वाले खुद डोनाल्ड ट्रंप थे। और आओ देखिए ट्विटर में जो ड्रामा चल रहा है, और जो पहले उनको हटाया गया, जो भी टेक और हैंड ओवर का ड्रामा चल रहा है, चाइना की इकोनॉमी बद से बदतर हो चुकी है। ये तो मैं बहुत टाइम पहले प्रेडिक्ट कर चुका हूँ, और विद रीजन और लॉजिक प्रेडिक्ट कर चुका हूँ। आज तो ये आंकड़े खुल खुल के आ रहे हैं रोहित भाई, लास्ट शो हमने किया था, ये आंकड़े खुद खुल के आ रहे हैं। खुद सोचिए, जहाँ $1 का GDP बढ़ाने के लिए आपको $8 इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, तो उस कंट्री का यू टर्न नहीं हो सकता। जी का आना, मतलब देखिए जी इज अ फ्रैंकेस्टीन ऑफ चाइना। जी रहेगा तो चाइना 100% नीचे जाएगा, कोई नहीं बचा सकता चाइना को। और चाइना का प्रेडिक्शन मेरा कि चाइना विल अल्टीमेटली ब्रेक अप। चाइना इतना ज्यादा ये फूल फूल के इतना हो गया, जमीन खा खा के, जमीन पे कब्जा कर करके। चाइना तो वो सबसे बड़ा माफिया है फॉर, जिसे कहते हैं लैंड फॉर लोन। वह लोन देते फिर आपकी जमीन ले लेते। पर ये चाइना जो है, जो उसकी जो हालत बद से बदतर हो गई है, चाइना का टूटता रोहित भाई ऑलमोस्ट सर्टेन है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन, इट इज नॉट विल और विल नॉट, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन, यू मार्क माय वर्ड्स, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम व्हेन। और चाइना का टूटना दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। डिडॉलराइजेशन लॉन्ग रन में दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। डिडॉलराइजेशन कोई बुरी बात नहीं, दुनिया की स्टेबिलिटी के लिए अच्छा, चाइना का टूटना अच्छा है। जी जिनपिंग का आना चाइना के लिए, उनकी कुंडली में खुद ही शनि बैठ गया, खुद ही उन्होंने शनि को अलर्ट कराया और शनि को बैठाया। जब तक जी जिनपिंग है, चाइना के पास एक लास्ट चांस था वो यू टर्न लेने का। कहते हैं ना आखिरी बत्ती थी, ये आखिरी बत्ती भी चाइना मिस कर चुका। मेरी बात लिख लीजिएगा, चाइना हैज नो वे टू यू टर्न। इसके बाद इट विल बी लूजिंग क्रिटिकल मास। इधर से निकले, वहां से निकले, दाएं से निकले, बाएं से निकले, और रेमबी कभी डिजिटल ग्लोबल करेंसी नहीं बन सकता, वो भी नहीं है। चाइना के खिलाफ जो नॉर्मल लोगों का आक्रोश है वर्ल्ड ओवर, आप किसी से भी बात कीजिए, आपके यार दोस्त होंगे, इंडियन मूल के ना, विदेश मूल के बात कीजिए, देयर इज नॉट अ पर्सन हु डजंट हेट चाइना। ऐसे आक्रोश में वर्ल्ड ट्रेड करना संभव नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था, पहले शो से बता रहा हूँ, दो चीजें चाइना की वीकनेस है।
वन दे नीड टू बी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड ट्रेड के बिना उनकी इकोनॉमी चलेगी नहीं. दूसरी वीकनेस ये, देयर आर्सेनल इज नॉट रिलायबल. आई एम रिपीटिंग माय सेल्फ अगेन, दे नीड टू बी अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड, देयर आर्सेनल इज नॉट रिलायबल. आप देखिए रशिया को स्विफ्ट से निकालने महीनों हो गए, अगर चाइना को स्विफ्ट से निकाले कितने दिन चाइना चलेगा, कितने दिन, हफ्तों की बात नहीं, कितने दिन चाइना चलेगा. चाइना की दुनिया को जरूरत नहीं है. एक टाइम था चाइना की दुनिया को जरूरत थी, धीरे धीरे चाइना से लोग जान छुटा रहे, चाइना की जरूरत नहीं. देखिए पाकिस्तान बद से बदतर क्यों हो गया, पाकिस्तान बद से बदतर इसलिए हो गया, तो पाकिस्तान की लोगों को जरूरत ही नहीं मेरे भाई. व्हाई डू पीपल नीड पाकिस्तान, सिमिलरली व्हाई डू पीपल नीड चाइना. और इनका जो तानाशाह जी है वो सोचता है मैं दुनिया पर कब्जा करूंगा, वे आर हैंड चाइनीज. मतलब मुझे लगता है ओपियम वहां अभी राशन कार्डों पर बिकती है. एक टाइम में तो ओपियम खा के सेट रहते थे. वो लगता पाकिस्तान, पाकिस्तान में गजवाए हिंद का ओपियम और यहाँ हन चाइनीज का डोमिनेंस ऑफ द वर्ल्ड, दोनों जगह ओपियम राशन कार्डों पे बिकती है. कहते तो ले ले 5 किलो चीनी और ये ले 250 ग्राम ओपियम, ये इसमें मिला मिला के खा के सेट रहना. ये इनको समझ नहीं आ रहा. इंडिया ने पिछले सालों में कितनी अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाई मोदी जी के 8 सालों में. फार्मा में आ गए, सोलर में आ गए, वेपन्स में आ गए, दवाइयों में आ गए, राइट, आईटी में आ गए अभी, मतलब और एजुकेशन में आ गए, मैन पावर में आ गए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में आ गए. कितनी जगहों पे हर इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की जरूरत बढ़ती जा रही है. इंडिया एक विश्व गुरु बनके मीडिएट भी कर रहा. दुनिया का बड़ा टेंशन जो यूनाइटेड नेशंस जिसको मीडिएट करने की औकात नहीं रखता, उसको मोदी जी मीडिएट करने की औकात रखते हैं. जो बाइडेन का वहां वर्चस्व नहीं चलता, जी को तो कोई गिनता ही नहीं. खैर अब मैं कहना नहीं चाहता, एक और वर्ड है, जी को तो कोई गिनता ही नहीं, पर वो कहना सभ्य नहीं होगा. कभी आपको ऑफलाइन बता दूंगा, जी की हालत तो वो हो गई है. वो एक, वो आपने एक पिक्चर देखी थी ना, उसमें फेमस डायलॉग था, मेरे कन्ने चक्कू है, बस आगे नहीं बोलता. तो अच्छा, मैं एक फाइनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इंडिया जो जिस तरीके की हम डिप्लोमेसी देख रहे हैं जयशंकर साहब की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से, ये डिप्लोमेसी एक लॉन्ग टर्म में इंडिया को विश्व गुरु की ओर ले जा रही है? और अमेरिका को जिस तरीके का भी जवाब दिया गया या दूसरे दूसरे पल्लों पर भी जो हमने जवाब दिए हैं, क्या ये ऑफेंसिव डिप्लोमेसी है? एक ऑफेंसिव डिप्लोमेसी मींस हम दूसरा हम पे हावी नहीं हो सकता, हम दूसरे पे भले हावी होने की कोशिश करें. सर ये डिप्लोमेसी और डोमिनेंस, ऑफेंसिव तो छोटा वर्ड है, मैं डोमिनेंस कहता हूं. ऑफेंसिव तो पहले थी, अब डोमिनेंस की बात हो रही है. इस डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस आपको इसका क्लू नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूएसए मिलेगा. नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ने क्या बोला, बोला भाई रशिया का वर्चस्व घट रहा है और एक कंट्री एशिया में जो वो जगह ले रही है. आप बताइए इशारा कहां की तरफ, नाम तो नहीं लिया, इशारा तो सीधा सीधा इंडिया की तरफ है. ये नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा, सुमित पीर नहीं कह रहा. वैसे मेरी कई भी चीजें पहले लोग मानते नहीं, बाद में माननी पड़ती, बात अलग है. पर ये नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कह रहा है. तो अगर आप नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट में सेंटर पीस हो तो आप एग्रेसिव नहीं हो, आप डोमिनेटिंग हो. ये डिप्लोमेसी ऑफ डोमिनेंस, क्योंकि रोहित भाई वी आर 20% ऑफ द ह्यूमैनिटी यार. आप तो जगह दुनिया में मांग रहे हैं, हमने तो किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया, पर हमारी जमीन हमारे इंटरेस्ट को भी लोगों को देखना पड़ेगा. आप देखिए यूएनएससी की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी कल परसों यहाँ पे मुंबई में, अब उसमें क्या हुआ, अब की बार एक चेंज हुआ उसमें. चाइना को डॉक्टर जयशंकर ने आज सैटरडे को सीधा सीधा सुना दिया. और दूसरी चीज क्या की उन्होंने, वो जो मीर वाली क्लिपिंग थी जब वो 26 हैंडलर्स को चला रहा था, जो मेजर मेजर पाकिस्तान आर्मी में, जिस पर चाइना ने टेक्निकल होल्ड लगा दिया था, सीधी सीधी वो क्लिपिंग चला रहे. पहली बार इंडिया ने वो क्लिपिंग चला दी, बोला भैया ये है मीर, इस पर होल्ड लगा रहे थे और ये तुम कर रहे थे. और आज डॉक्टर जयशंकर साहब ने वहां एक और धमकी दी स्ट्रेट, कह रहा देखो भैया ऐसे वैसे चलते रहेंगे ये टेररिज्म बढ़ता रहेगा, टेररिज्म को पैसा चाहिए, मनी लॉन्ड्रिंग चाहिए. और FATF के ग्रे लिस्ट में डाल के पाकिस्तान को फायदा हुआ, कश्मीर में काफी हद तक ये चीजें रुकी. पर अब आपने पाकिस्तान इंडिया को निकाल दिया वहां से, कोई बात नहीं आपकी मर्जी है, बट टेररिज्म को रोकना पड़ेगा. आप इसका मतलब समझते क्या? फाइनल क्वेश्चन आपसे, क्या जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का सेमीकंडक्टर्स पे जो प्लान है और वो 1 लाख करोड़ वेदांता ग्रुप से इन्वेस्टमेंट और टाटा से इन्वेस्टमेंट, क्या ये चाइना को की इकोनॉमी तोड़ने का प्लान है? सर दुश्मन दुश्मन जितना कमजोर हो जाए, जितना लूला लंगड़ा हो जाए, जितना नाकारा हो जाए, उतना अच्छा होता है.
और मरे हुए दुश्मन से निकम्मा दुश्मन ज्यादा काम आता है। टूटा फूटा दुश्मन की दुनिया उसे, वो आपने वेलकम पिक्चर देखी हुई, मैं हॉकी का प्लेयर था, एक बार भाई ने मेरी टांग तोड़ दी, वट एवर वट एवर। तो ये आप केस स्टडी ऐसी बना दीजिए, चाइना का हालत वही, मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हमेशा हमेरी हमेशा नजर सेमीकंडक्टर पे थी। सेमीकंडक्टर का मतलब है चाइना का ताइवान में इंटरेस्ट खत्म, चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ा डेंट, जो चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, देखिएगा सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है चाइना में, इस ताइवान में। अगर सेमीकंडक्टर यहाँ तो वो पैसा कहाँ आएगा, यहाँ टेक्नोलॉजी कहाँ आएगी, वहां यहाँ टेक्नोलॉजी बनाने वाला कौन है, सबसे ज्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 20 बिलियन से 100 बिलियन डॉलर में एक सेमीकंडक्टर का कारखाना लगता है, कम से कम 20 बिलियन डॉलर, उससे नीचे कुछ नहीं लगता। हमने पीछे करीब 23 से 25 बिलियन डॉलर कमिट करिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का। 2026 तक रोहित भाई महादेव की कृपा से 300 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रॉनिक्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, और हमने पहली बार 1 बिलियन हैंडसेट्स को एक्सपोर्ट कर लिए, वो कीर्तिमान हमने मीट कर लिया। और जो आपका लैपटॉप आज 40,000 में मिलता है, 1 लाख में मिलता है, जब सेमीकंडक्टर यहाँ बनने लगे चिप, वही लैपटॉप आपका 40,000 में मिलने लगे। खुद सोचिएगा, हमारे फोन चाइनीज से सस्ते होंगे, बहुत रिलायबल होंगे। टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन करने के लिए दुनिया खड़ी है, पैसा लगाने के लिए भारत में दुनिया खड़ी है, और कुछ हायर एंड शिप्स ऑलरेडी है, नाम मुझे उनका याद नहीं आ रहा अभी, वो ऑलरेडी यूएस ने मना कर दिया ताइवान को बनाने के लिए, वो चिप मैन्युफैक्चरिंग इंडिया से होगी धीरे धीरे। एप्पल को 14 तो यही बन रहा है ना, अगर 14 यहाँ बनेगा 15 तो बन ही नहीं सकता। सैमसंग का सबसे बड़ा मोबाइल का कारखाना कहाँ, नोएडा में, हमारे सैमसंग यहाँ बन रहा है। धीरे धीरे ये चीजें देखिए, ऐप बैन क्या था, ऐप बैन अंत नहीं था, ऐप बैन शुरुआत थी। ऐप बैन का मतलब आपके पास मेटा डाटा नहीं आएगा, यू विल नॉट बिकम एआई सुपर पावर। 5G 5G हटाने का मतलब था आपका IoT खत्म, और अब ये सेमीकंडक्टर पे तीसरा आघात है। और जो अभी हम ONDC ला रहे हैं, जो अभी हम बहुत सी और चीजें ला रहे हैं, अब देखिए हमारे पेमेंट्स की बात करूं जाते जाते, हमारी पेमेंट्स मार्केट इज मोर देन US एंड चाइना पुट टुगेदर। अवर 66% ऑफ द पेमेंट्स आर टुडे डिजिटल। सर अगर 3 रुपए खर्च होते हैं तो 2 रुपए डिजिटली खर्च होते हैं, दुनिया में कीर्तिमान है सबसे कम टाइम में। और आपको बताओ रोहित भाई, हमारे पेमेंट्स का मार्केट की अभी मार्केट कैप कितना है, $1 ट्रिलियन, और 2026 में एट मार्केट कैप जाएगी $3 ट्रिलियन केवल डिजिटल पेमेंट्स मार्केट। अब रुपया रुपी का 24 कंट्री में चलने लगा है, और आने वाले टाइम में और चलेगा, भीम और चलेगा। हमारा जो कोविन ऐप है करीब 35-36 कंट्रियों से यूज करें कोविड मैनेजमेंट के लिए, और हमने तो ये कहा ना हमने टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, पीछे 2-3 कंट्रियों ने हमसे मांगी थी, हमने दे दी, दे दी। तो कार्यवाही बहुत कुछ चल रही है, अब तो मतलब दिनों निकल जाएंगे समझाने में, और महादेव की कृपा से पूरी 307 डायरेक्शन में चल रही है। और मैं आपको बताऊं, पहली बार आई कैन टेल यू इंडिया इज इन कंट्रोल, इंडिया नॉट इज इंडिया इज डोमिनेटिंग एंड ड्राइविंग। कंट्रोल बहुत छोटी चीज होती है, डोमिनेटिंग एंड ड्राइविंग। अगर आप F1 रेस में भाग रहे हो ना, कंट्रोल कुछ नहीं होता, कैन यू डोमिनेट एंड ड्राइव, दैट इज द की, एंड इंडिया इज डोमिनेटिंग एंड ड्राइविंग सर। राइट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस सर। उम्मीद है जल्दी आपके साथ एक और डिस्कशन करेंगे, अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आने वाले हैं अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर, सब पे बात करेंगे आपसे। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार रोहित भाई, जय हिंद।